सब्सक्राइब कीजिए अनरियल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी अगला रीडर या पहेली मिस ना कर पाए। आपके सामने 1 kg कॉटन है और 1 kg आयरन का बार है, तो आप बताएं ये दोनों में सबसे ज्यादा हैवी क्या रहेगा, आयरन का बार या फिर कॉटन। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप तराजू में देखेंगे तो दोनों का वेट सेम रहेगा क्योंकि दोनों 1 kg है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। के सामने 3 बंदूक के होल्स दिख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और बताएं कौन सा होल सबसे पहले हुआ है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। होल 2 सबसे पहले हुआ है। अगर आप देखेंगे तो होल 2 के सारे निशान लंबे गए हैं और होल 1 एंड होल 3 के निशान होल 2 के निशानों पे आके रुक गए हैं। मतलब होल 2 पहले हुआ है, इसलिए होल 1 और होल 3 के निशान वहाँ पे आके रुक गए हैं। चलिए अब आखिरी पहेली देखते हैं। क्या आप इनमें से 3 बॉल्स ऐसे निकाल सकते हैं जिनको ऐड करने पे सम 30 हो जाएगा? पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप बॉल नंबर 9, 11 और 13 लेंगे। बॉल 9 अगर आप घुमा देंगे तो वो 6 बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 + 11 + 6 = 30। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शक्ति का उसके स्टडी रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल जब स्टडी रूम को ध्यान से देखता है तो देख के लगता नहीं कि यहाँ पे किसी का खून हुआ है, तो उसको शक कोई घर वाले पे आता है। उस टाइम घर पे उसकी वाइफ, मेट और कुक थे। मेहुल ने उनसे सवाल किए वो उस टाइम क्या कर रहे थे। वाइफ, मैं उस टाइम सो रही थी। मेट, मैं रूम की सफाई कर रही थी। कुक, मैं खाना बना रहा था। मेहुल फिर रूम में रखी हुई चीजों को ध्यान से देखता है। रूम में उस टाइम पे एक पेपरवेट, एक पेन, एक फोन, मिस्ट्री के कुछ बुक्स, एक पानी का ग्लास और बुक के अंदर एक पेपर मिलता है। उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। तभी कुक बोलता है, सर बहुत अच्छे थे, उन्हें लॉजिकल बनिया की जासूसी पहेलियां सॉल्व करना बड़ा पसंद था। वह दिन भर जासूसी पहेलियां पढ़ते थे। मेहुल सबके स्टेटमेंट, पेपर एंड रूम में रखी हुई सारी चीजों को ध्यान से देखता है और खूनी को तुरंत पकड़ लेता है। कैसे? मेहुल को कैसे समझा? क्या आप इन चीजों को ध्यान से देख के बता सकते हैं खूनी कौन है? अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आप वीडियो के सारे हिंट्स को वापस देखें, वही आपको मदद करेगा खूनी तक पहुंचने के लिए। शक्ति को जासूसी पहेली सॉल्व करना बड़ा पसंद था। मतलब कुछ तो कोडेड तरीके से लिखा हुआ है। मेहुल जब फोन के कीपैड को देखता है तो वो उन नंबर्स को कीपैड से मैच करने का ट्राई करता है। अगर आप कीपैड को ध्यान से देखेंगे तो 9W444 3 टाइम आप 4 प्रेस करोगे तो आई बनेगा, 333 मतलब F। वैसे ही बाकी सारे नंबर्स को आप देखेंगे तो बनेगा वाइफ, खूनी। उसने वाइफ सारे सबूत मिटाना दे इसलिए कोडेड तरीके से लिख दिया था। पुलिस वाइफ को तुरंत पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने 7 हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 7 7 है, 6 7 अंदर है और 1 7 बड़ा वाला बाहर है, तो टोटल हो गए 7। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 6 ग्लासेस रखे हुए हैं।
पहले तीन खाली हैं और बाद के तीन भरे हुए हैं। आपको खाली और भरे ग्लासेस को अल्टरनेट करना है कुछ इस तरीके से, और आप बस एक ग्लास को हाथ लगा सकते हैं। तो बताइए आप ये कैसे करेंगे। पांचवे नंबर के ग्लास को उठाइए और उसका पानी दूसरे नंबर के ग्लास में डाल दीजिए। तो हो गए खाली और भरे ग्लासेस अल्टरनेट, और हमने बस एक ग्लास को हाथ लगाया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर नल से हमेशा पानी आता रहेगा तो कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर तीन और चार दोनों साथ में भरेंगे। तीन पहले चार के पाइप तक के भर जाएगा, उसके बाद टैंक चार भरना शुरू हो जाएगा। जब टैंक चार भी उसके पाइप जितना आ जाएगा तो उसके बाद से तीन और चार दोनों साथ में भरना शुरू हो जाएंगे और दोनों साथ में फुल होंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कोई ऐसी चीज बताए जो आप अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड कर सकते हैं लेकिन आपके राइट हैंड में नहीं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है आपके राइट हैंड की कोनी, मतलब आपके राइट हैंड का एल्बो, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड से अपने एल्बो को पकड़ सकते हैं लेकिन राइट हैंड से नहीं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जब मैं जवान होती हूँ, लंबी होती हूँ, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं छोटी हो जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और इसका सही जवाब है मोमबत्ती। ये काफी आसान थी। ये पहेली का जवाब थोड़ा सोच के दीजिए और ज्यादा समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। और इसका सही जवाब है टाइपराइटर। ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं पर फिर भी हमारे साथ होती है। और इसका सही जवाब है फिंगरप्रिंट्स। अगली पहेली आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। वो क्या है जिसे अंधा भी देख सकता है? सोचिए सोचिए। और इसका सही जवाब है अंधेरा। ये पहेली सबसे डिफिकल्ट पहेली है, तो थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। ना खाना खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ, ना ही वेतन लेता हूँ, फिर भी आपके घर पे टटकर पहरा देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और इसका सही जवाब है ताला। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप एक गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे आग की नदी है, अगर आप उसमें गए तो आप जल के मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -20 डिग्री का ठंडे पानी की नदी है, जिसे अगर आपने पार करने की कोशिश की तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे। आपके पास कोई सामान नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप बताएं आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सिंपल,
नदी का पानी -20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब नदी पूरी जम चुकी है, तो आप आराम से उसके ऊपर से चल के जा सकते हैं।